By the age of three and a half years, I had lost my father. My first day in school was also the last day I saw both my parents standing together waiting for me. I had attempts before, uh, when I was in post-graduation. However, I couldn't qualify well. If I had ambulance would she have been with me? That I suddenly had lost both parents. And the first word that my माउथ से निकला ओ नाउ आई एम एन से जब अक्टूबर में ये हुआ टू डिसाइड। एक ही जन का लॉस होना घर पे डेथ ही होना घर पे बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पे मैं थी उस सेम घर में मैंने तीन डेथ्स देखी हेलो एवरीवन, वन आई एम स्नेहा पन्ना और इस ईयर की यू परीक्षा में ट्वेंटी में I was able to make it to the list with all India rank of 965, and uh, I'm very thankful to be here at Josh Talk to share my journey. कि इस रैंक के पीछे की जर्नी क्या रही है, and मेरी टॉक से I think the biggest takeaway would be CSE a life beyond CSE exam. Because uh, as we all know that UPSC की जो परीक्षा होती है उसकी जो जेस्टेशन पीरियड होती है वो मिनिमम टू इयर्स की होती है बेस्ट केस सिनेरियो में एक साल आपका प्रेपरेशन में चला जाता है ऑलमोस्ट एटलीस्ट यू नो एट टू नाइन मंथ्स ऑफ कंसिस्टेंट प्रपरेशन एंड उसके बाद आपका वन ईयर चला जाता है हर वो तीन स्टेज क्लियर करने में जिसकी वजह से आपका नाम उस होली पी में आ सके तो मेरे लिए ट्वेंटी की जो जर्नी थी वो बहुत बहुत डिफरेंट थी और मैंने जो चीज़ सीखी है इन दो सालों में वो आई थिंक यू की स्ट्रैटेजी से भी बियॉन्ड है एंड इट हैज़ इम्पैक्टेड माई लाइफ इन वेज दैट इवन आई कूडेंट इमेजिन सो आई बिट ऑफ बैकग्राउंड आई एल बिगिन विद ऑफ बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ ताकि आप मेरे से रिलेट कर पाए और समझ पाए कि मैं इस चीज़ के बारे में सी एस सी दैट इज़ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड बियॉन्ड का मैसेज क्यों देना चाहती हूँ तो मैंने जैसे बताया मेरा नाम स्नेहा पन्ना है मैं रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ आई वॉज बॉर्न एंड अप देर एंड थ्रू आउट स्कूल आई स्टडीड देर मेरी स्कूलिंग टेंथ ट्वेल्थ तक वहीं हुई कंसिस्टेंटली उसके बाद मैं डेली यूनिवर्सिटी आई सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली दाखिला मिला वहाँ पे मैंने फ़िलोसफी ऑनर्स कंप्लीट किया उसके बाद मैंने आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई आल्सो वेंट फॉर मास्टर्स मेरे को जे में अपॉर्चुनिटी uh, मिली वहाँ पे मैंने मास्टर्स इन सोशॉलॉजी भी कंप्लीट किया आई वाज आल्सो द हाईएस्ट सीजीपीए स्कोरर ऑफ माय बैच इन द यूनिवर्सिटी फॉर सोशॉलॉजी तो मुझे गोल्ड मेडल भी मिला उसके लिए और तो इससे आपको पता चलता है कि एकेडमिकली मेरी लाइफ बहुत कट टू कट हायर नोट में चल रही थी कि मैं स्कूल से कॉलेज आए कॉलेज से फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके बाद फिर मेरे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं अब्रॉड जाऊँ मैं रिसर्च में और आगे बढ़ूँ क्योंकि नेट जे आर एफ डू और क्योंकि मेरी वो जर्नी ही बहुत ज़्यादा एकेडमिक रही थी बट आफ्टर 2020 ट्वेंटी वॉज द टाइम एन आई हैड टू डिसाइड वॉट डू आई नीड टू डू अड इन लाइफ एंड दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ माई फैमिली एंड द कॉन्टेक्सट दैट आई कम फ्रॉम माई बैकग्राउंड कम्स इन सो एज यू कैन सी कि एकेडेमिकली बहुत स्मूथली जर्नी हुई है स्कूल से कॉलेज तक पोस्ट ग्रेजुएशन तक बट जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड रही है दैट इज़ नॉट वेरी आई वुड से कन्वेंशनल जो हम देखते हैं बाय दैट आई मीन दैट बाई द एज ऑफ थ्री एंड हाफ ईयर्स आई हैड लॉस्ड माई फादर एंड आई वॉज रेज दैट इज़ इन द अर्ली टू थाउजेंड्स आई ही पासड अवे वेरी अपराप्टली ड्यू टू सिकनेस एंड उनकी भी ये प्रॉब्लम थी कि यू you नो know, मैं बहुत छोटी थी मैं साढ़े तीन साल की थी और मम्मा को मुझे फिर ये डिसाइड करना था कि मैं इस छोटी सी बच्ची को कैसे बड़ा करूँ आई एम ऑल्सो द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स सो ब्रिंगिंग अप अ गर्ल चाइल्ड अ लोन बाय हर सेल्फ हुट थ्री एंड हाफ ईयर्स ओल्ड इन दी अर्ली टू थाउजेंड वॉज अ बिग डिसन दैट माई मदर हैजू टेक एंड उस वक्त मेरे दोनों पेरेंट्स दुर्गापुर स्टील प्लांट में पोस्टेड uh, थे बिकॉज बोथ ऑफ दैम वर इन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और वहाँ से जब पापा का डेथ हुआ इतना अब्रकली तो फिर ममा को वहाँ से ट्रांसफ़र लेना पड़ा रांची जहाँ जो मेरा मटर्नल हाउस है क्योंकि मम्मा वॉज नॉट एबल टू मैनेज इट ऑल बाई हर सेल्फ सो आई रिमेंबर दैट माई फर्स्ट डे इन स्कूल वॉज ऑल्सो द लास्ट डे आई सॉ बोथ माई पेरेंट्स स्टैंडिंग टुगेदर वेटिंग फॉर मी कार्मिल कॉन्वेंट में मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ था फर्स्ट डे मैं गई थी आई वॉज इन के जी और नर्सरी देन एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट डे हमारा जो स्कूल था उसके बाहर मेरे दोनों पेरेंट्स खड़े थे उसके बाद मैंने दोनों पेरेंट्स को साथ में खड़े होते हुए कभी नहीं देखा स्कूल के बाद सो आफ्टर आई शिफ्टिड और ममा एंड नी मूव्ड टू रांची बहुत मुश्किल से ममा की भी ट्रांसफर हुई कंपेशनेट ग्राउंड में कि सेल आर डी सी आई एस में ममा को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली कंटिन्यू करने की कंपनी में एंड उस वक्त ममा के पास बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आप कैसे बड़ा करोगे शी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिजम एंड ऑल्सो स्टीरोटाइप्स दैट द सोसाइटी वॉज नॉट ओके विथ सींग सिंगल वूमन ब्रिंगिंग अप अ गर्ल चाइल्ड बट माई ग्रैंड पेरेंट्स जो नाना नानी थे दे वर यू नो स्टैंडिंग बिहाइंड हर और मेरे मासी थे और ममा के जो uh, ब्रदर थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मम्मा को एंड उसकी वजह से ममा वॉज एबल टू ब्रिंग नी अप विद अ लॉर्ड ऑफ हार्डशिप्स विद अ लॉड ऑफ़ एफर्ट एंड विद अ लॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क एंड गोइंग अगेंस्ट जीरो टाइप्स वो बहुत बड़ा डिसीजन था जो उन्होंने लिया था एंड वो चीज़ मैंने बचपन से उनके बिहेवियर में मैं देखती आ रही थी तो कहीं ना कहीं एज एज वी से दैट यू नो वैन यू आर वेरी यंग आपका ब्रेन बहुत इंप्रेशनेबल होता है एंड वो चीज़ें मैं देख के बहुत अब्जॉर्ब करती थी तो बड़े होते होते वैन आई वॉज़ इन स्कूल आई यूस टू ऑफर नॉट टेल माई पीयर्स की आई डोंट हैव अदर बिकॉज़ वैन यू आर इन स्कूल तब आपसे सबसे पहले पूछा जाता है आपका क्या नाम है आपके पापा का क्या नाम है और आप कहाँ यू नो वेयर डज ही वर्क तब पूछते अच्छा आपके मम्मा का क्या नाम है वो क्या करते हैं तो मैं ऐसे बोलती थी कि हाँ मैं अपने पापा का नाम बता देती थी फिर मैं बोलती थी कि माय पापा आल्सो वर्क्स इन द सेम कंपनी बट ही इज़ आउट स्टेशन दैट्स वाई यू डोंट सी हिम ऑफन वन डे माय मदर मी टेलिंग दिस व्हेन आई वाज इन क्लास फोर और फाइव एंड शी वाज लाइक ऐसा क्यों बोलते हो बेटा तो वो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्यों बोलती थी उस वक्त ऐसा बट आई थिंक दी ओनली थिंग आई लर्न ग्रोइंग अप कि मैं शायद क्यों बोलती थी ऐसा बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट सेल्फ पी टी आई डिड नॉट वॉन्ट मुझे लगता था कि अगर मैं बताऊँगी तो सब सोचेंगे मम्मा कितनी बेचारी है या ये कितने बेचारे तो पता नहीं वो फीलिंग आ गई थी बहुत बचपन सी मुझे कि प्रोटेक्टिव वाली फीलिंग आई वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हर आई वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ़ माई सेल्फ वो फीलिंग के साथ मैं बड़ी हुई तो उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी बड़ी हुई मैं कि मुझे करना है मुझे यू नो आई आई हैव टू आई आई डिड मेक माई ओन शेयर ऑफ मिस्टेक्स बट आई लर्न फ्रॉम इट सो मूविंग दिस इज हाउ माई स्कूल लाइफ वेंट बाय उसके बाद आई एम वेरी आई वॉज वेरी क्लोज टू माई नाना नानी ऑल्सो माई नाना एंड नानी बोथ वर हैंड्स ऑन पेरेंट्स क्योंकि जैसे मम्मी ने बताया मम्मा वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल तो घर पे दे यू टू टेक केयर ऑफ मी अ लॉट नाउ इन सबको साथ में बड़ा बड़ी हुई हम पांच लोग थे घर पे बट इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू आई वॉज इन द थक ऑफ प्रेपरेशन फॉर यू पी एस सी तो मैंने दिए थे पहले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में थी हाउ एवर आई कुडेंट क्वालिफाई दैम बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड अटैम्प एंड सो दिस इज़ ऑल्सो बिगेस्ट टेक अवे कि आप जब भी अपने अटैम्प्ट प्लान कर रहे हो प्लीज प्लान इट प्रॉपरली टाइम लाइन देखो आप और उसके बाद आप अटैम्प्ट दो दैट वॉज माई मिस्टेक एंड आई वॉन्ट यू टू लर्न फ्रोम इट दैट यू नो नो योर सेल्फ रियली वेल जब आप इस एग्जाम में आते हो जो मुझे नहीं था मुझे वो अवेयरनेस की कमी थी uh, तो मैंने जब ट्वेंटी ट्वेंटी के बाद ड्रॉप लिया मैंने सोचा कि अच्छा मैं करती हूँ ये नाना नानी और मम्मा ने बैठ के मुझे बोला था कि बेटा इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू यू यू डू इट नाव बिकॉज़ अगर आप दो नाव में पैर रखोगे अभी तो शायद यू नो यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज वेल सो आई टुक दैट डिसीजन दैट एडवाइस फॉरवर्ड मैंने एम के लिए फॉर्म नहीं भरा मैंने पी के लिए अप्लाई नहीं किया और मैं यू में आ गई कंप्लीटली आई वॉज इन द दिख ऑफ प्रेपरेशन In 2022, however, turned out to be the most—I uh, would say—the most disheartening and distressful year for me. I think this year brought very unimaginable losses to my life. I, within a span of nine months, lost three people in my house. That is, my nana, nani passed away in January, and within a span of seven months, my mother also passed away in October 2022. So literally, Joe Mira. सोशल सिक्योरिटी ब्लैंकेट था आई हैड लॉस्ट ऑल ऑफ देम, दे वर पिलर्स ऑफ माई लाइफ एंड देर आई वॉज सिटिंग एट माई डेस्क थिंकिंग कि मैं यू पी एस सी का प्रेपरेशन कर रही हूँ फिर मुझे वो लगता था कि मैं किसके लिए कर रही हूँ आई फेल्ट सो हेल्पलेस ग्रोइंग अप एज आई टोल्ड यू आई ऑलवेज थॉट आई हैड देंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट प्रोटेक्टिवनेस कि मैं बड़ी ओके यू नो आई डू देम बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि आई कूडन डू मच फॉर माई फादर यू नो

और वो खुश होंगे वो जहाँ भी होंगे आपको देख के आपके एफर्ट्स को देख के दिल भी वेरी हैप्पी बट देन देर आई वॉज आई लॉस माई मदर ड्यू टू अ वेरी अब्रप्ट कार्डियक रेस्ट एंड द मेन रीजन वॉज दैट वेन दिस हैपेंड वो लीव में नहीं थे शी हैड गॉन टू ऑफिस दैट वीकेंड और वो मंडे ज्वाइन करने वाले थे बट ऑन संडे नाइट वी लॉस्ट हर दैट इज एटीन ऑफ अक्टूबर एंड दैट सेम मॉर्निंग जैसे हम सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता होता है वीकेंड में हमारा टेस्ट होता है हम मैं भी मैंने भी उस दिन मॉक टेस्ट लिखा था एक मेन्स का और मैं वो पेपर स्कैन कर रही थी उस वक्त मेरी मासी ने मुझे नीचे से बुलाया बोला कि मम्मी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है वी डेंट नो वॉट वर द अरेस्ट एंड बाई द टाइम हमें उस रात वी डिड नॉट फाइंड एनी एम्बुलेंस वी हैड टेकन हेल्प ऑफ आर नेबर्स मेरे रेलेटिव मामा मामी आ गए थे जो कजिन मामा है वो भी आ गए थे हम ममा को कार में ले जा रहे थे एंड वी लॉस्ट हर हंड्रेड किलोमीटर सॉरी हंड्रेड मीटर्स अवे फ्रॉम द हाउस तो उस अभी भी लुकिंग बैक आई थिंक आई थिंक अगर उस वक्त शायद एम्बुलेंस मिलती तो वुड शी हैव बीन विथ मी आई येस आई हैव अ रैंक टू डे येस आई हैव अ सर्विस टू डे बट उस वक्त जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड थी आई फेल्ट वेरी हेल्पलेस आई फेल्ट लाइक वॉट एम आई इवन डूइंग विथ माई लाइफ मेरे को इतना एजुकेशन दिया मुझे इतना मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ वॉट विल आई इवन गेन कौन है मेरे आस पास मुझे देखने के लिए या मेरे सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए या मुझे सक्सेस तो बहुत दूर की बात है या मुझे पुश करने के लिए एवरी डे कि आप प्लीज बैठो और पढ़ो बट द ओनली थिंग दैट यू नो दैट नाइट दैट ट्रक मी फर्स्ट थाट्स ट्रक मी जब ये सब हुआ बहुत पेरेंट्स एंड पहला वर्ड जो मेरे माउथ से निकला दैट वो नाउ एम एन ऑर्फिन आई वॉज अ गर्ल इन मिड ट्वेंटीज़ एंड आई दिस वज द फर्स्ट लाइन आई ब्लर्टेड आउट एंड आई डिड नॉट हैव इट टीयर इन माई आईज क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको प्रोसेस कैसे करूँ हाउ डू आई इव इन प्रोसेस वट हैज विथ मी आई क्यूड क्योंकि उनको कोई टर्मिनल इन्नेस नहीं थी शी हेड नैवर टेक इन सिकली सो आई स्टिल अभी भी जब मैं ये स्टोरी या जर्नी आप, आपके साथ ये शेयर करती हूँ तो आई स्टिल वंडर कि क्या हो गया था यूरो you सो know? so, and jab october in October, my prelims for the 23 was just 7 months away and i had to decide whether to sit for the exam or continue with upsc which has not given me results which is very uncertain as we know which is which has ruthless competition all around we know jiska paper bahut dynamic aa random aa sakta hai, hai ya jaise bhi a hai. Hum, hum, i think upsc ki itni saari discussions hoti hai jo upsc ne bhi kiya wo bhi jaante upsc kya hota hai that was the time i was thinking should i continue with this preparation and that was also the time when society's eyes were on me. Suddenly, I had become that center of attraction, but not in a very good way. People were questioning, suddenly, everyone was very, very, you know, uh, raising questions about how I'm not professionally stable in my life. I've lost both parents, I've lost grandparents, and I'm s still living in that same house wherein there were five people when I began this preparation, but today it's just two of us that is, me and my Masi. When आई एम here, माई मासी इज़ देयर एंड पीपल विल थिंकिंग कि वो उस घर में क्या करती है अकेले जब मासी अगर जाते हैं स्कूल बिकॉज शी इज़ अ प्रिंसिपल तो वो जब स्कूल जाते तो वो वॉट डज शी डू वॉट डनेहा डू एट होम सो ये सारी चीज़ें थी मुझे किसी ने बोला कि आप टीचिंग में चले जाओ मुझे किसी ने बोला कि आप कुछ और कर लो एंड मैं डरती थी ये बोलते हुए भी लोगों को कि मैं यू की तैयारी करना चाहती हूँ या कंटिन्यू करना चाहती हूँ बट आई स्टिल वन वीक आफ्टर

यू नो सिलेबस इज सच दैट इट की सो आई ट्राइड नॉट दैट द बिगेस्ट चैलेंज आई फेस वॉज नॉट लूजिंग मोमेंटम आई डि नॉट नो वेदर आई वुड क्लियर एनी स्टेज ऑफ दिस एग्जाम आई डि नॉट नो इफ आई कुड सिट फॉर सेवन एट आवर्स आई जस्ट न्यू दैट आई हैड लॉस्ड एवरी थिंग एंड इट वॉज नॉट गोइंग एज पर प्लान एंड मैंने जो भी प्लान किया था कि मुझे इस टाइम लाइन से इस टाइम लाइन तक करना है लाइफ हाइड मी विथ सो मच अनसर्टेंटी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये प्लान मैं कैसे ही एग्जीक्यूट करूँ हाउ एवर द ओनली वर्ड्स दैट कैप मी गोइंग वर्ड विच माई मामा यूज टू से लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन एंड यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर और उन्होंने ये वा, वा, ये सेंटेंस मुझे सिर्फ बोला ही नहीं शी लिव्ड इट थ्रू हर लाइफ एंड शी शोड मी तो वो सारी वर्ड्स एंड वो सारे एग्जाम्पल्स मेरे सामने आए My grandfather also had taken a huge leap in our family. Unnone, he was the first one who could make it to the government service and who could uh, serve in the state level. So he used to tell me ki wo kaise ek, you know, how he moved away from his village and came to Ranchi. And his leap, the generation after us, like me being the third generation, could have an opportunity at good schooling. He could school his own daughters well. And her own, and the way he supported her own single mother, uh, single you know child, uh, sorry, single mother daughter. So, these are examples. in front, I was there. I, I decided that I will just give my best. I do not know what what will happen. I think that was the time when I learned this biggest lesson that life is uncertain, and you have to take it as it comes. So I was just taking one day at a time, one step at a time. I prepared January. and I'll also highlight another thing at this point, the importance of mental health, because I was at that point in my life October में जो वेसअप हो रहा था मैं रिकवर करी रही थी January में एक ही जन का लॉस होना घर पे डेथ ही होना घर पे बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पे मैं थी उस सेम घर में मैंने तीन deaths देख लिए थे लोग ये बातें करते थे कि क्या हो रहा है इनके घर में because that was not COVID time, it was not COVID time, it was not peak COVID time ने COVID time में देखा था तो उस वक्त ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी आई वॉज ऑन मेडिकेशन फॉर एनजाइटी एंड आई कुड इन स्लीप एंड द अदर थिंग इज दैट आई हैड रियलाइज्ड कि आई नीडेड हेल्प मेरे को एक बहुत अच्छे ममा की फ्रेंड है उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि बेटा नोइंग वेन टू आस्क फॉर हेल्प इज़ द बिगेस्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ सो डू नॉट थिंक कि आपको हर चीज़ खुद से करनी है आपको जब लगता है कि यू नीड हेल्प प्लीज आस्क फॉर हेल्प एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड रीचिंग आउट क्योंकि यूपीएससी पी एस की प्रेपरेशन में हम बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड भी हो जाते हैं हम सोशल मीडिया में नहीं होते हमारे फ्रेंड्स नहीं जानते कि हम क्या कर रहे होते और मैं तो ऐसी थी जिनको हाफ ऑफ द पीपल डिट इवन नो दैट आई वाज प्रिपेयरिंग सो आई स्टार्ट रीचिंग आउट टू माई फ्रेंड्स बिकॉज आई नीड एड हेल्प आई वॉज द ओनली यू नो चाइल्ड एंड येस आई हैड माई यंगर कजन ब्रदर हु वॉज वेरी वेरी सी सिक्स यर्स यंगर टू मी वो मेरे मामा का बेटा है एंड ही वॉज सो सो हेल्पफुल एट दैट पॉइंट ही द वन टोल्ड मी दैट दीदी इफ़ यू नीड हेल्प फॉर मेंटल हेल्थ प्लीज रीच आउट एंड माई मेंटॉज केम टू माई असिस्टेंट जो यू पी एस सी में थे एंड दे गॉट मी कनेक्टेड टू आरती मैम हु इज़ अ थेरेपिस्ट एंड शी टू काउंसलिंग फॉर मी मैंने ग्रीफ काउंसलिंग ली मैंने प्यर ग्रुप सपोर्ट भी जॉइन किया जो ऑनलाइन होता था तो ये डिस्पाइट बींग फ्राम ऑल दिज प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस मेंटल हेल्थ इज नॉट ईजिली एक्सेसिबल टू मी मेरे को पहले समझ ही नहीं आया कि मैं कितना मुझे ज़रूरत है लेना एंड जब समझ आया कि ज़रूरत है लेना तो इमीडिएटली नहीं मिला मुझे रांची में सो दिस वाज द सेकंड बिगेस्ट लर्निंग दैट यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ इज वेर एवर यू आर इट्स नॉट जस्ट यू पी एस सी बट इवन बिकॉज दिस वॉटन विथ्स मी इज समथिंग एंड एट एनी पॉइंट इन लाइफ

कि हाउ दे हैड लॉस्ट पीपल एंड हाउ दे वो ट्राइंग टू कोप अप उससे क्या हुआ कि इट हेल्प मी डी मैग्नीफाई माई पेन आई स्टॉप थिंकिंग कि मैं ही मेरे साथ ही क्यों हो गया ये बिकॉज यू स्टार्ट यू नो कम्पेयरिंग योर लाइफ विद ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स और यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर लाइफ विद सम इन लाइफ हमें लगता है दूर से देखे कैमरा से कि बहुत uh, एफर्टलेसली उनकी लाइफ एक फेज से दूसरी फेज तक चली गई बट वाई आर वी वाई डिड गॉड डू दिस फॉर अस एम आई नॉट अ गुड चाइल्ड मैं ये बोलती थी आई टू क्वेश्चन दिस हैव आई नॉट बीन अ गुड डॉटर हैव आई नॉट बीन अ गुड स्टूडेंट हैव आई नॉट बीन ऑनेस्ट विथ माई प्रेपरेशन दैट दिस मी एंड डू आई नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ डाउट टू मेक अ मिस्टेक सो वॉट वॉज आई पानिश्ड फॉर सो दिस व क्वेश्चन स्लीप एट नाइट तो ये सारी चीजें जब मैं उस सेशन में सुनती थी लोगों से जब उनके साथ भी यही सारी क्वेश्चनिंग होती थी तब मुझे लगा कि अच्छा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू यू नो बीन थ्रू समथिंग सिमिलर आई यूज टू ऑल्सो गूगल ऑन यूट्यूब हाउ टू प्रोसेस ग्रीफ हाउ टू प्रोसेस लॉस ऑफ अ मदर हाउ टू प्रोसेस लॉस ऑफ अ फादर हाउ टू प्रोसेस लॉस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स वेरी अपड लॉसेज तो ये सारी चीज़ें एंड दैट इज़ अनदर रीजन वाई आई एम स्टैंडिंग और बिफोर यू दैट अगर कल को आप में से कोई भी मेरा टॉक इफ़ यू कम अक्रॉस माई टॉक एंड यू गोइंग थ्रू समथिंग सिमिलर तो आपको भी ये फील हो कि हुआ है किसी के साथ और ये हो सकता है बट दे कैन स्टिल स्टैंड इट्स नॉट ईजी इट्स नॉट ईजी इट वॉज नॉट इजी फॉर मी बट आई एम स्टिल स्टैंडिंग आई थिंक दैट इज द ओनली बिलीफ वी नीड टू हैव दैट इज द ओनली रीअश्योरेंस दैट वी नीड टू हैव कि हमारी लाइफ में बहुत चीज़ें हो सकती है बट हम खड़े तब भी हो सकते हैं तो वो बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए एंड एज आई एज आई मूवड इन टू द प्रेपरेशन मोड फिर मैंने दिसंबर जनवरी तक बहुत इस पर काम किया अपने मेंटल हेल्थ पे क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ आपको रट्टा तो नहीं मारना है आपको बैठ के वो अब्जॉर्व करना है मटीरियल आपको मॉक टेस्ट देने हैं आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में रखना है एंड यूफ टू बी वेरी अलर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पेपर इन द फिल्म इतना अनकन्वेंशनल आया था दैट वी स्टिल टॉक अबाउट इट so and the csat was the toughest in the history of upsc so far and i have been a humanities student all my life i was able to uh, clear csat of that year comfortably because i was scoring in the 70s and mainly 70s my score karna was a big thing in csat that time and even in the gs paper i was scoring very well comfortably in the 80s when i came back and i checked my keys so and you won't believe when i was entering the exam hall

बट देन दी ओनली थिंग दैट कैप मी गोइंग दैट ये सोचा था करने का लेट्स गिव आर बेस्ट वी डोंट नो वॉट प्लान लाइफ हैज क्योंकि आई थिंक प्लान्स पर मेरे विश्वास बहुत पहले उठ गई थी तो आई आई जस्ट केप्ट ऑन गोइंग आई क्लर्ट द प्रम्स आई गॉट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू राइट फॉर मीन्स बट माई जर्नी बिटवीन प्रीम्स एंड मीन्स ऑल्सो नॉट वेरी स्मूथ वेन यू आर द ओनली चाइल्ड एंड यू फेस लॉसिस आपके ऊपर पेपर वर्क का भी प्रेशर होता है एंड ये जो एस्पेक्ट है उसके लिए भी कोई यूनिवर्सिटी और कोई सिलेबस नहीं होता है नो वेर आई न्यू कि कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस किया होता है आपको इंश्योरेंस का भी पेपर देखना है आपको बैंक जब बुला रहे तब भी जाना है आपको जो कंपनी में मम्मा पापा काम करते थे व उस कंपनी में भी जो आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी रही उसमें भी आपको जाना है क्योंकि साइन तो आपका लगेगा ना साइन तो मेरा लगेगा मेरे बिहाफ में कोई नहीं जा सकता था और जब वो बुलाते थे तब मुझे जाना होता था इवन आई हैड अ वेरी हैरोइंग एक्सपीरियंस विद द बैंक उन्होंने एक के बाद मतलब मैं जब भी विजिट करती थी तब मुझे एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताते थे मैं दूसरी बार विजिट करती थी तो बोलते थे तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं सोचती थी, थी कि क्यों ऐसा है आई एम प्लानिंग अ मॉक टेस्ट बट देन यू नो टू आर्स आर गोइंग इन दिस थिंग एंड आई एम मेकिंग वेरी कॉन्शियस ऑफ माई आइडेंटिटी हाफ ऑफ द टाइम अट क्राई दे आर दाफ आर टाई टू स्टडी बट वो जो मेंटल प्रेशर था मेरे ब्रेन में क्योंकि अगर आप यूर इफ यू आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड यू कान स्टडी दैट वेल यू कान एब्जॉर्व मटीरियल दैट वेल एंड आई वुड थिंक दैट नो अचीवर स्टूडेंट आपको हमेशा बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट इन एनी स्टेज क्योंकि मेरे यू नो आई हैव दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ठीक करना है इतना हार्डवर्क करें मम्मा ये सब तो जब प्रिलिम्स और मीन्स का ये समय था आई केम बैक वन डे होम एंड आई टोल्ड माई मासी दैट आई डोंट थिंक आई बी एबल टू सिट फॉर मीन्स इट्स वेरी डिफिकल्ट हाउ विल आई इतनी सारी चीज़ें हो रही है मेरे जो पियर्स हैं उनको ओनली यू नो एटलीस्ट द ओनली डिफिकल्टी मोस्ट ऑफ आस फेस ड्यूरिंग दैट टाइम इज़ की सिलेबस कम्प्लीट नहीं हो रहा रिविजन नहीं हो रहा शॉर्ट नोट्स नहीं बन रहे और यहाँ पर मैं मतलब एग्जाम ही कर रही हूँ ये नौ पेपर को भी बैलेंस करना है और ये दूसरा पेपर वर्क जो मुझे अभी नहीं करना है मुझे पोस्टपोन चाहिए बट वो नहीं हो पा रहा था आई कूड पोस्टपोन इट एट माई विल बट देन माई मासी सेट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गॉट एन आफ्टर सो लॉन्ग प्लीज टेक इट एंड इसीलिए मैं मेन्स में गई आई रोट ऑल दो नाइन पेपर्स थैंकफुली आई डिड नॉट फॉल सिक एंड मैंने वो नौ पेपर लिखे आफ्टर मेन्स ऑल्सो आई हैड टू बी वेरी प्रैक्टिकल विद माई लाइफ आई कुन जस्ट कंटिन्यू विद यू पी एस सी अलोन की अगर ठीक है इस बार नहीं होता तो मैं नेक्स्ट ईयर बैठ जाऊँगी क्योंकि मेरे ऊपर वो प्रेशर था लोगों को अब पता था कि मैं यू पी एस सी कर रही हूँ लोगों को ये भी था कि यू पी एस सी इज नॉट दैट ईजी की आपका हो जाएगा बिल्कुल ही तो मेरे ऊपर ये भी प्रेशर था कि मैं प्लान बी क्या रखूंगी माई येस आई वॉज गेटिंग आई वॉज आई अंडरस्टैंड कि ये भी मेरे पास प्रिवलेज थी डेट बोथ माई पेरेंट्स वो वर्किंग तो मेरे पास वो क्वेश्चन था वो विंडो था टू इवन कंटिन्यू विथ यू पी एस सी फॉर सम टाइम बट वो जो उनके रिसोर्स थेट वॉज्डो अगर मुझसे नहीं हुआ तो नेट जी आर एफ दे दूंगी या मैं लॉ कर लूंगी या मैं कुछ और प्रोफेशनल डिग्री देख लूंगी या कहीं जाऊंगी जिससे यू नो आई गेट दैट ऑफ सेल्फ वर्थ बैक कि मैं क्यों करू आई जस्ट वॉन्टेड इंपॉर्टेंट फीलिंग पर्पजफुल इज आप कहीं भी हो लाइफ में वेर एवर यू आर वॉट एवर यूर डूइंग इफ़ यू डोंट फील दैट सेंस ऑफ पर्पज टूवर्ड्स अदर्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव एंड मेरे लिए तो था भी नहीं ना कि मैं फ़ोन करूँ ममा पापा को और बोलूँ कि अच्छा मैं आपके लिए ये करना चाहती हूँ आई डेंट हैव अ लैंडलाइन देट वुड कनेक्ट टू यू नो पीपल हु आर नॉट अराउंड पास वे सो दैट वॉज द पॉइंट वेन आई रियलाइज कि नहीं ठीक है मैंने सोच रखा था कि ये ये करूँगी अगर नहीं होता थैंकफुली आई गॉट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू एंड दैट वॉज द टाइम एन आई कुड कम टू डेली फॉर यू नो द लास्ट स्टेज ऑफ यू पी एस सी प्रपरेशन अगेन आई हाईलाइट कि घर पर मैं उसी घर पर इतनी देर तक प्रपरेशन कर रही थी जिस घर में इतनी लॉसेज हो चुकी थी मुझे लोगों ने बोला था कि वन बी एबल टू प्रिपेयर दैर क्योंकि आपको वो मेमोरीज याद आएगी लेकिन लोग ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि मेरे पास ऑप्शन नहीं थी उस वक्त कि मैं रांची छोड़ के दिल्ली आ जाऊँ वहाँ पे प्रिपरेशन करूँ अगर मैं वो करूँगी पेपर वोक कौन करेगा वो मासी के साथ कौन रहेगा उस वक्त क्योंकि उस वक्त स्ट्रक्चर इतना हिला हुआ था हमारे घर का हम सबको एक दूसरे का एक सपोर्ट होना था सो आई केम इन द इंटरव्यू स्टेज टू डेली थैंकफुली क्योंकि मॉक इंटरव्यूज लेने थे बट इवन वेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू आई केम टू यू नो दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे है बहुत हमलिंग एक्सपीरियंस रही है क्योंकि हेयर आफ्टर कमिंग टू डेली आई रियलाइज दैट देर आर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स जिनके घर में बहुत सारी चीज़ें हो रही एंड एवरी वन इज़ हैविंग फाइटिंग देयर ओन बैटल्स एंड दैट हेल्प मी अगेन डी मैग्नीफाई माई पेन कि नहीं यहाँ पे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे लोग हैं जो जिनकी अपनी स्टोरी है दैट हेल्प मी आई अप्रीशिएट द फैक्ट दैट ईच वन ऑफ अस हैज अ स्टोरी बिहाइंड हाउ एवर देट वॉज ऑल्सो टाइम वेन आई रियलाइज दैट जब भी एम्बुलेंस की सायरन बजती थी मुझे वो रेट रात बहुत हॉन्ट करती थी एंड दैट मेड मी क्वेश्चन दैट इफ आई एवर बी एबल टू गेट अ प्लेटफॉर्म एनी वेयर तो मुझसे आई यूज़ टू क्वेश्चन दैट हाउ कैन वी इम्प्रूव द हेल्थ केयर सिस्टम यह भी था मेरे दिमाग में बिकॉज आई लर्न दैट इट्स इंपॉर्टेंट कि मेरे साथ तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हो गई थी अब मैं इसका क्या करूँ आई कॉन्ट जिस कीप कराएंगी वाई एम आई वाई डिट दिस हैपन टू मी आई ऑल्सो गॉड अ पर्पज कि अच्छा ठीक है इफ़ आई एम एबल टू गेट समवेयर इम एबल टू गेट अ प्लेटफॉर्म बी एट इन सर्विसिज़ और नॉट I will do something, or I'll at least raise a question about healthcare accessibility and emergency healthcare accessibility. So, I was coming with these kind of questions, and when I was preparing for the interview for the UPSC, that really helped me. Because I think I was able to do well in my interview, and that's why I'm able to make it to the list also this time. So, this entire journey of mine of three phases of UPSC has taught me not only the strategy to clear this exam. बट ऑल्सो आज स्ट्रैटी टू लाइफ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई मेरे स्पैन ऑफ वन एंड एंड हाफ ईयर्स में और अभी दो साल भी नहीं हुए हैं ममा को uh, पास अवे हुए हुए क्योंकि अक्टूबर 2024 में दो साल होंगे बाय अक्टूबर 2023 ट्वेंटी थ्री आई हैई हैड ऑलरेडी रिटेन प्रिलिम्स एंड नीम्स दैट वॉज नॉट इवन वन ईयर ऑफ हर पासिंग अवे तो मैंने टाइम का इम्पोर्टेंस बहुत समझा दैट यू नो वक्त बदल वक्त बहुत, बहुत है लेकिन वक्त बदलता भी है जो हम बोलते हैं ना कि दिस टू शाल पास पास, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जब बुरे वक्त से जा रहे हो तो आप अपने आप को कही कहीं ना कहीं एंकर करो कहीं ना कहीं रूटेड रखो आप स्पिरिचुअल रोड लो या अपने उस फ्रेंड्स या फैमिली के साथ रहो जो आपको इनक्रेज करते आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स हु के मी यू नो encouraged who who encouraged me to keep going in this journey and they helped me know that sneha it's okay agar ye hota hai theek hai but you are someone who's hard working to agar aap koi bhi field mein jaoge to aap acha karoge to wo sense of belief unhone rakha mere andar uh, intact so i'm very grateful to my friends also for that and uh, वो तीसरी चीज़ ये है कि आप जिस चीज़ को अगर शिद्दत से अगर आप फॉलो uh, कर रहे हो आप जब यू नो आई ट्राइंग टू अचीव god or the universe will send strangers also to help you that happened with me i was i got to know many people new people in my upsc journey that helped me some of them even made it to the list this time so i'm very grateful to all of them at the end i think the only thing i'll highlight is no matter how difficult your path is always remember that it is you who's the captain of your fate it is you who's the captain of your life i think i draw inspiration from lines of invictus, the poem that has always uh, inspired me. and the last paragraph of that poem is something that i'll quote and end my uh, talk with, and i hope that you are able to relate with it. so the lines goes as this. no matter how straight the gate, how challenging the scroll, you are the master of your fate. you are the captain of your soul. thank you so much. हेलो हम में से बहुतों का सपना है आई ऑफिसर बनना लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है हम प्रेपरेशन नहीं हमारे मन में बहुत क्वेश्चन हैं लेकिन हमारे पास गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में जोश टॉक्स पर बहुत ब्यूरोक्रेट्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानियां उन्हें रिक्वेस्ट कियाचिंग कि ले की, की नहीं कौन सी कोचिंग ले ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन से स्टडी मटीरियल यूज करें क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है तो दो कोचिंग्स और मान गई हैं के और अन अब हमें कॉन्टेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प हम, हम, तो हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं आपको जब फोन आए तो करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली का पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है जय हिंद